नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटुलन जीके में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल में विधानसभा की सीटें। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीट विधानसभा की सीटें कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी रिजर्व हैं, कुल जो सीटें हैं विधानसभा की हिमाचल में वो कितनी हैं, ST की कितनी हैं। चलो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहिए। और जो आपको कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा, बहुत ही इजी ट्रिक से या बहुत ही अच्छे मेथड से मैं आपको करवाने वाला हूँ। टोटल जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की वो हैं 68, जिसमें कि रिज़र्व जो है वो है 20, और SC के लिए रिज़र्व हैं 17, ST के लिए हैं 3, 17 और 3 मिला के 20 हो गई, तो टोटल है 20 रिज़र्व। और ST की मैं आपको बता देता हूँ, ST का जो ये वाला एरिया है चंबा में, ये है भरमौर, तो चंबा के भरमौर की जो एक सीट है वो है ST के लिए रिज़र्व। दूसरी है लाहौल स्पीति में, तीसरी है किन्नौर में। लाहौल स्पीति और किन्नौर में सिर्फ एक ही विधानसभा सीट है और वो सिर्फ है ST के लिए। तो चलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं विधानसभा की सीटें, वो है कांगड़ा। कांगड़ा में है 15 और रिज़र्व सीटें हैं यहाँ पे 3, और ये तीनों की तीन SC के लिए रिज़र्व हैं। दूसरा आता है आपका मंडी। मंडी में है 10 सीटें और रिज़र्व हैं 3, ये भी SC के लिए हैं। जो मैंने 3 आपको बताई ST के लिए, भरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर, सिर्फ वही हैं, बाकी जितनी भी रिज़र्व आएंगी वो SC के लिए ही रिज़र्व होंगी। तो टॉप 3 आपको पता होना चाहिए कि कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 15, मंडी में 10, शिमला में 8, और शिमला में रिज़र्व 2 हैं, ये भी SC के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलन, सिरमौर, चंबा और हमीरपुर और ऊना की। तो यहाँ जो है आपके इन 5 डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की 5 सीटें हैं। तो कैसे हम याद करते हैं, एक ट्रिक है मेरे पास, SSCHU। तो सच्चू नाम से हम इसको कनेक्ट करेंगे, किसी का नाम रिलेट कर लेना गांव में, या आपका दोस्त हो या आपका कहीं कज़न वगैरह हो, सच्चू। तो S से बना आपका सोलन, S से सिरमौर, C से चंबा, H से हमीरपुर और O से ऊना। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की 5 सीटें हैं। चंबा में जो रिज़र्व सीटें हैं एक दो हैं, एक SC के लिए, एक ST के लिए। एक चुराह जो है वो है आपकी SC के लिए रिज़र्व, और ST के लिए जो रिज़र्व है वो है भरमौर की। बाकी मैंने लाहौल स्पीति और किन्नौर की तो बताई दी, यहाँ सिर्फ एक एक ही विधानसभा की सीट है और वो है सिर्फ ST के लिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें ये सारी याद हो गई, बची सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू और बिलासपुर। कुल्लू में 4 हैं और बिलासपुर में भी 4 हैं, और कुल्लू में रिज़र्व 1 है, बिलासपुर में भी रिज़र्व 1 है। कुल्लू के जो है मनाली रिज़र्व है। तो बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। कांगड़ा में कुल सीटें हैं 15, जिसमें कि जनरल की जो है 12 और SC के लिए हैं 3। जो जनरल में जो आते हैं वो है कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला, नगरोटा, ज्वालामुखी, ज्वाली, नूरपुर, जसवां, फतेहपुर, शाहपुर, देहरा और सुलह। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि SC के लिए कौन कौन से एरिया रिज़र्व हैं कांगड़ा में, तो बैजनाथ, इंदौरा और प्रागपुर। बात करते हैं मंडी की। तो मंडी में है 10 सीटें, जनरल के लिए 7 और SC के लिए 3। जनरल में मंडी, सुंदरनगर, जोगिंद्रनगर, सरकाघाट, धर्मपुर, सरास और दरंग। रिज़र्व जो है करसोग, नाचन और वल्ला है। शिमला की बात करें, शिमला में 8 हैं, जनरल की 6 और SC की 2। जनरल में आते हैं जुब्बल कोटखाई, रामपुर, ठियोग, चौपाल, कसुमपट्टी, शिमला, शिमला ग्रामीण, शिमला शहरी। और SC की बात करें शिमला में, तो शिमला के रोहड़ू और रामपुर SC के लिए रिज़र्व हैं। बात की जाए सोलन की, तो सोलन में कुल सीटें जो हैं 5 हैं, जनरल की 3, SC के लिए 2, और रिज़र्व जो हैं वो है कसौली और सोलन। बात की जाए सिरमौर की, तो सिरमौर में भी 5 हैं और जनरल की 3 हैं, SC के लिए भी 2 हैं। जो रिज़र्व हैं वो है रेणुका और पछाद। जनरल की जो हैं वो है नाहन, पोंटा साहिब और सिलाई। चंबा की बात करें, कुल सीटें हैं 5, जनरल की हैं 3, रिज़र्व में है 2, और 2 जो रिज़र्व हैं, एक SC के लिए रिज़र्व है, एक ST के लिए रिज़र्व है। SC के लिए जो रिज़र्व है वो है चुराह, ST के लिए जो रिज़र्व है वो है भरमौर। चुरा जैसे स्पेलिंग का C से स्टार्ट होती है इसकी, तो SC, ये SC के लिए रिज़र्व है। जनरल में जो है वो है चंबा, डलौजी और बटियात। नेक्स्ट बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में 5 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 4 हैं और SC के लिए 1 है। जनरल में हमीरपुर, सुजानपुर, बड़सर और नादौन आते हैं, और भोरस जो हैं वो है SC के लिए रिज़र्व। ऊना में भी 5 हैं, जनरल की 4 हैं और रिज़र्व में 1 हैं।
जनरल की जो आती हैं ऊना, कुटलेहड़, चिंतपूर्णी, संतोषगढ़। रिजर्व में जो आती है गगरेट, जो एससी के लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं कुल्लू में, तो कुल्लू में 4 हैं टोटल सीटें, जनरल की 3 और एससी के लिए जो रिजर्व है वो है 1 सीट। जनरल में जो एरिया आते हैं वो है कुल्लू, आनी और बंजार, और कुल्लू में रिजर्व जो है एससी के लिए वो आते हैं मनाली, मनाली रिजर्व है एससी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में कुल सीटें हैं 4, जिसमें कि 3 जनरल की हैं, 1 एससी के लिए रिजर्व हैं। जनरल में जैसे बिलासपुर आ गया, घुमार भी आ गया, श्री नैना देवी आ गया। इम्पोर्टेंट इसमें है कि बिलासपुर में एससी के लिए कौन सी रिजर्व है, तो झंडुता। और लाहौल स्पीति और किन्नौर में मैं तो बता दिया आपको कि एक एक सीट है और वो भी एसटी के लिए रिजर्व है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेके आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।